बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान स्पेशल ईद स्पेशल मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आऊँगी, लेकिन मैंने ये चिकन में बनाए हैं। आप मटन और बीफ में बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप अगर इसको चाहें तो आप इसको जो है ना हाफ डन करके आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं, और ईद वाले दिन आप इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई जैसे भी आपने करना हो आप इसको करके एंजॉय कर सकते हैं। जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट लाजमी किया करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको, जो भी लोग इसको देखेंगे वो इसको लाजमी बनाएंगे। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, और ये बनती भी बहुत आसान है और झटपट बनने वाली रेसिपी, और बहुत कम इंग्रेडिएंट से जो है ना आपने इसको लाजमी बनाना है, और इसका फीडबैक प्लीज़ हमें लाजमी देना है। जिसके लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम जो है ना चिकन बोनलेस ली थी, जिसको हमने चॉपर में डाल के इसको अच्छे तरीके से चॉपराइज कर लिया, इसका यानी कीमा बना लिया। आपने इसको ये देखे, इस तरह आपका जो है ना कीमा होना चाहिए, इतना आपने इसको जो है ना चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लेना है। और साथ ही जो है ना हमने टमाटर लिया था, जिसको हमने ये देखे चॉप किया है, हाथ से हमने इसको चॉप किया। 50 ग्राम हमने जो है ना कॉर्नफ्लावर लिए, और ये जो है ना 2 अदद हमने प्याज ली थी, जिसको हमने चॉपर में डाल के चॉपराइज करके इसका पानी हमने सारा ही निकाल लिए। और ये हमने शिमला मिर्च ली थी जो है ना ऑरेंज कलर की, और इसको भी हमने चॉपर में डाल के चॉपराइज करके इसका भी पानी हमने निकाल लिया। 1 टेबलस्पून हमने जो है ना लाल मिर्च पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून ही हमने चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक लिया, हमने 1/2 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून ही हमने जो है ना ज़ीरा लिया। अब इन सब चीज़ों को हमने इसमें शामिल कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें सबसे पहले जो है ना कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे 50 ग्राम, साथ ही अब हमने इसमें प्याज शामिल कर देनी है। अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, इसको भी आपने चॉप करके शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें टमाटर, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, धनिया और ज़ीरा। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। आपने जो है ना इसको स्पैचुला या स्पून की मदद से नहीं, हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स करना है, तो फिर इसमें जो है ना अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और ये देखिए टेबलस्पून है इसमें, 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देना है, 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए, स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करते हैं। अब हमने इसके जो है ना बिल्कुल न्यू स्टाइल से मैं आपको मिनी जो है ना चपली कबाब, मिनी चपली कबाब बनाने की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। इतने ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसको मटन बीफ में बना सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसके साथ पानी लेना है, हमने पानी में जो है ना अपने हाथ को गीला कर लेना है, पानी नॉर्मल आप कोई भी ले सकते हैं। और इसका हमने छोटी सी हम इसकी ये भी मैं गीला कर लूँगी, और इसको हमने ये देखें आप इट में आप छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हमने जो है ना इसको शेप देनी है, मैं जो है ना छोटे बनाने लगी हूँ, आप बड़े भी बना सकते हैं। पहले हमने इसका थोड़ा सा गोल जो है ना बनाना है शेप इसकी, और इतने आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये बनाना सिखा रही हूँ ना, आपने इसको लाजमी बनाना है और हमें इसका फौरी फीडबैक देना है। ये बहुत आसान रेसिपी, आपने इसको सुबह ही बनाना है, और फिर से हमने हाथ जो है ना गीला करना है, और इस तरह से ये देखें इस तरह से हमने इसको बना लेना है। अब हम ऑयल गरम करेंगे, और फ्राई हमने छोटा फ्राई पैन लेना है। अब इसी तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अब हम इसमें जो है ना ऑयल शामिल करेंगे, आपने जो है ना ऑलिव ऑयल कोई भी ले लेना, जो आपको ऑयल पसंद हो वो आपने ले लेना। हमने इसमें थोड़ा सा ही ऑयल इसमें शामिल करना है। अब हम इसको गरम कर लेंगे, ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया। इस तरह से हमने बनाते जाने हैं और सबको इसमें शामिल करते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है। वो देखिए उसकी जो है ना नीचे से जो है ना वाइट होना शुरू हो गया,
उसकी आपने साइड चेंज कर लेनी है और बिल्कुल आपने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये बहुत ज़बरदस्त, और अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन जो है ना चिली यानी कि शिमला मिर्च, कैप्सिकम भी शामिल कर सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च जो भी आप चाहें इसमें चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये इतने मज़े के बनते हैं, आप इसको जो है ना रायते के साथ भी ले सकते हैं, केचप जिसके साथ आप इसको चाहें आप इसको ले सकते हैं, और रोटी के साथ, नान के साथ। अब आपने इसी तरह से सबको जो है ना उलट पलट करके फ्राई कर लेना। ये देखें इतनी ज़बरदस्त और इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी, आपने इसको लाजमी जो है ना इस पर बनाना है। और अगर आप इसको जो है ना फ्रोज़न करना चाहते हैं तो आपने इसको हाफ डन जो है ना ये कलर होने तक आपने इसको इसी तरह से जो है ना आपने इसको बना लेना है और आपने इसको फ्रोज़न कर लेना। जब आपने इनको खाना उस टाइम पर आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है या कि शैलो फ्राई कर लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको एयर फ्राई में भी जो है ना फिर कर सकते हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, आपने प्लीज़ इसको लाजमी बनाना है। और हमारे चैनल को जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए आप हमें एक कमेंट करके तो बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अब इसी तरह से आपने इनको जो है ना हाफ डन या फुल, अगर आपने इनको फ्रोजन करना है तो आपने इसको हाफ डन कर लेना, अगर नहीं तो आपने इसको जो है ना शैलो फ्राई हम इसको कर रहे हैं तो आपने इसको करके आपने इसको डिश आउट करना है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको इसी तरह फ्राई करें और डिश आउट करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त से जो है ना मिनी चपली कबाब रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। बहुत सारे लोग इसको जो है ना गोला कबाब भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है ना ज़्यादातर मिनी जो है ना चपली कबाब के नाम से ज़्यादा जो है ना ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे से, और वन बाइट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, आपने इसको लाजमी बनाना है। अब हम इसको जो है ना निकाल के साथ इसी तरह से हम रेडी करेंगे और फिर हम आपको इसकी लुक दिखाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त से मिनी चपली कबाब रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाई है। आपने इसको लाजमी बनाना है, और प्लीज़ हमें इसका फीडबैक प्लीज़ लाजमी दिया करें। और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने इसको लाजमी बनाना है कि मैंने आपको घर के मसालों से जो है ना ज़बरदस्त से मिनी चपली कबाब बनाना सिखाए हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।